शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अमृता, मुझे तुमसे वो हाँ नकुल के बारे में कुछ बात करनी थी। नकुल के बारे में क्या बात करनी है बताइए। नहीं, यही कि शाबाशी है तुम्हें भाई, तुमने क्या लड़का ढूंढा, कमाल लड़का ढूंढा तुमने। मानना पड़ेगा तुम बहुत समझदार हो। यस, हम तो पहले से ही बहुत समझदार हैं, हर फैसला सोच समझ कर करते हैं। अब आप अपने आप को ही देख लीजिए, जीती जागती मिसाल तो आपके सामने ही है। आपसे शादी करने का फैसला भी हमने अपनी सोच-बूझ से किया था। खैर, इस वक्त ये सारी बातें करने का वक्त नहीं है, हम बाद में बात करते हैं आपसे। क्या हुआ? अरे यार, अरे आपके घुटने में लग गई। हम पहले उस कलमुही का इलाज करके आते हैं, फिर आपका इलाज करेंगे। घुटने में लग गई कतई जहर। अमृता आंटी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो दरअसल मैं आपसे कुछ जरूरी बात करने आया था। अभी नहीं, हमें कुछ जरूरी काम है, बाद में बात करते हैं। एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट प्लीज। बोलो। अरे बहुत दर्द हो रहा है भाई, कहीं बैठने की जगह देखता हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, यहाँ बैठ जाता हूँ, ये जगह ठीक है। आंटी, मैं जानता हूँ कॉलेज में जो कुछ भी हुआ उससे आपको और अंकल को बहुत दुख हुआ है। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं बस आशी की हेल्प कर रहा था। लोगों ने उसे गलत तरीके से देखा, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। जा, 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 जा। जो हुआ उसके लिए पूरे कॉलेज की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। हो सके तो प्लीज उस इंसिडेंट को भूल जाइए। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने तुम्हें माफ किया। अभी है थोड़ा, है थोड़ा। चले गए मेहमान, अब हम बाहर आ सकते हैं? अभी नहीं, जब हम कहेंगे तब बाहर आना। और खबरदार, हमसे कोई चालाकी करने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जी मां। अब हमने तो, मैं पहले ही कहा था कि वो अंदर ही है, अपने कमरे में ही है। तुम हमारी बात पे यकीन ही नहीं करती हो, अब क्या कर रहे हो? नीचे मेहमान आए, तुम्हारी सहेली आई है, जाके बात करो उससे, बैठो उसके साथ। चलो आओ 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 आओ। कतई सहर। तेरी वजह से हम कितना बुरा फंसने वाले थे आज, तुझे पता है? अगर काकी हमें पकड़ लेती ना तो मेरी तो खैर नहीं थी। माँ से तो बच गए, पर बाबा ने तुझे हमेशा की तरह बचा ही लिया ना। हाँ, आज तुम्हें बाबा भी नहीं बचा पाए। काकी का पता नहीं मूड कैसा था, अब आगे भी नहीं चली। तो फिर
माँ के कतई जहर से किसने बचाया? ओ हेलो, श्री राम ने, जय श्री राम, निकल। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा वक्त लग गया। अरे नहीं नहीं, इसमें माफी मांगने वाली कौन सी बात है? अरे भाई नकुल, कमिंग आउट हो जाओ, शादी के बाद के लिए भी कुछ बचा लो। आ जाओ आ जाओ। हमें तो विद्या बेटियां बहुत पसंद है, बस अब हम घर जाके आपस में बात करते हैं एंड आपको बता देते हैं। जी, आपके जवाब का इंतजार रहेगा हमें। सर चले। मुझे कल कुछ डिजाइनर कपड़े लेने थे, तो तुम कल शाम मुझे अपने शोरूम लेकर चलोगे ना? ओके। थैंक यू। तो कैसा लगा नकुल? ना पसंद आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता मॉम। उसके शूज देखे थे, क्या लग्जूरियस थे, और उसकी वॉच टॉप ब्रांड की थी। हाँ, उसकी बहन की ड्रेस तो डिजाइनर पीस था, कम से कम 1 लाख का तो होगा ही होगा। 1 लाख? हाँ, उसकी स्किन देखी थी, लगता है बहुत बड़े महंगे पार्लर में ना काफी खर्चा करती होगी। एक बार नकुल से मेरी शादी तय हो गई ना, तो मैं बहुत बड़े पार्लर में जाऊंगी और एक पूरा दिन मैं वहाँ रहूंगी। एकदम माल्या भट्ट बनकर निकलूंगी मैं पार्लर से, फिर मैं भी नौकरों को अपने आगे पीछे घुमाऊंगी। वो क्या कहते हैं, हाँ, अपनी ड्रीम लाइफ जीऊंगी। कॉलेज में सब के सब बस देखते रह जाएंगे, वी का स्वैग। बस तू खुश रहे, तू खुश तो हम भी खुश। काश हमारी विद्या भी आशी की तरह समझदार होती, पैसे नहीं दिल देखती, रिश्ते देखती। ये सामान की लिस्ट है, कोई भी सामान छूटना नहीं चाहिए वरना घर में सुनामी आ जाएगी। विद्या की लिस्ट रख अपने पास। बाबा मैं क्या करूंगी इस लिस्ट का, ये लिस्ट आप आशी को दे दीजिए, मैं जा रही हूँ अपना मैनिक्योर पेडिक्योर कराने। बाय गाइस। अरे दी अपना बैग। थैंक्स निधि। अमृता चाहती है कि इसकी शादी हो जाए, लेकिन इसके पास जिम्मेदारी नाम की कोई चीज ही नहीं है, पता नहीं पराए घर को अपना घर कैसे बनाएगी। बाबा विद्या दी बहुत समझदार है, वो सब कुछ संभाल लेगी। और वैसे भी कहते हैं ना, जो चीजें हम जिंदगी में अपने आप नहीं सीख पाते ना, वो जिंदगी हमें सिखा देती। तो आप विद्या दी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, और ना ही लिस्ट की लाइए हमें। ये सारा सामान आ जाएगा, घर पे पहुंच जाएगा, आप आराम से जाइए शोरूम, ठीक है? ठीक है। और खाना याद से खा लीजिएगा, वरना हम काकी साहब की शिकायत कर देंगे। अब मुझे धमकाना बंद कर। अच्छा एक काम कर, ये कुछ पैसे रख। बाबा ये क्यों? तुझे अपनी काकी के लिए साड़ी खरीदनी है ना, तो इन पैसों से अपनी काकी के लिए एक साड़ी लेना, सॉफ्ट साड़ी, अच्छी सी। चलिए हम जाते हैं। ओके ओके। बाय बाबा। बाय बेटा। ध्यान रखिएगा। हाँ सेठ, कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी। ओ हेलो, तुमने मुझे अच्छे से देखा भी नहीं है, बताओ ना कैसी लग रही हूँ? अरे अच्छी लग रही हूँ। अब मैं तुम्हें एक नई ड्रेस ट्राई करके दिखाती हूँ। ये कलर अच्छा है, ये ट्राई करती हूँ। कीथ पे सब अच्छा लगता है, कीथ है इतनी ब्यूटीफुल,
कपड़े मेरा ग्लो नहीं बढ़ाते। मैं जो भी पहनती हूँ उससे कपड़े और डिजाइनर दोनों का ग्लो बढ़ जाता है। ओके चलो मैं ट्राई करके आती हूँ। ओके